गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई होप यू आल आर डूइंग वेल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट नंबर थर्ड एंड फोर्थ ओके न द पार्ट नंबर थर्ड इज टेन थीटा पोन वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा पोन वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा को सेक्क थीटा ओके आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है ओके अब यहाँ से आप देखिए सेक थीटा क्या होता है वन अपॉन कोस थीटा को सेक क्या होता है वन अपॉन साइन थीटा दैट मीन्स आपका जो ये लेफ्ट एंड साइड है ना ये शॉर्ट फॉर्म में चेंज होने वाली है ठीक है तो आप टेन थीटा कोर्ट थीटा सभी को किसकी फॉर्म में चेंज करेंगे साइन कोस की फॉर्म में लेके आएंगे क्योंकि आपको लास्ट में आंसर एक शॉर्ट फॉर्म में ही चाहिएगा ठीक है अगर वन अपॉन साइन और वन अपॉन कोस की फॉर्म में हमारे पास आता है तो हमारा सेक और कोसी का इजिली बन जाएगा वहाँ से राइट तो यहाँ से बच्चा करते हैं टें थीटा को हम कैसे राइट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन थीटा एंड वन माइनस कोस कोर्ट थीटा को क्या लिखते हैं थीटा अपॉन थीटा राइट यहाँ पे बात हुई इसकी प्लस कोट थीटा को क्या लिखे हैं थीटा अपॉन थीटा इन डिनोमिनेटर वन माइनस थीटा अपॉन थीटा ओके ये हमारा हो गया फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा भाई फर्दर सोल्व करेंगे तो अब यहां से देखिए साइन थीटा कौन कौन सा पहले मैं इसको सोल्व करूंगी ठीक है जो हमारे पास ये इक्वेशन देखो प्लस का साइन है प्लस का साइन है इनको बाद में पहले हम इनको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं ठीक है मींस हम इसे सोल्व करेंगे इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे इस रेशो को सोल्व करेंगे तो ये कैसी फॉर्म में आ जाएगा भाई आपको पता है जो आपका ये साइन थीटा होने वाला है पहले इसको सोल्व करते हैं किस वे में लेके जाएंगे इसको करेंगे थीटा अपॉन थीटा इसको मैं वन बाई वन लिख सकती हूँ तो ये क्या आ जाएगा थीटा माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको भी वन बाई वन लिख सकते हैं थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा कोस की वन से करेंगे थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन एलसीएम कितना हो गया थीटा ओके okay. तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया ठीक है अब क्या करेंगे भाई अब इनको इंडिविजुअली सोल्व करेंगे पहले इसको कम्प्लीटली सोल्व करेंगे ये तो ये फॉर्म में चला जाएगा अब देखो आपके पास जो ये थर्ड वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ठीक है मतलब न्यूमरेटर में चला जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन थीटा के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है कैसे करते हैं देखते हैं ये चला जाएगा यहाँ पे और ये डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा लिखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा भाई आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन क्या था इसके साथ डिनोमिनेटर में थीटा एंड इंटू साइन थीटा माइनस कोस् थीटा देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को ठीक है तो आप हमेशा एक बात समझिए जो ये होता है ना आपका ये नंबर इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए ठीक है मीन्स आपके पास साइन थीटा अपॉन थीटा है तो जो भी आपका डिनोमिनेटर में है ना यहाँ पे ये जो बड़ी लाइन है आपकी बार है इसके नीचे जो है ना इसका रेसिप्रोकल प्रोकल कर दीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ओके इस वे में ठीक है बेटा ऐसे ही आपको करना है मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे आपको समझा भी दिया है कि हम कैसे करते हैं ओके सेम आपको यहाँ पे करना है तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं कोस थीटा इन कोस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा राइट तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल हो गया अब हमें आगे आगे क्या करना है भाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा आपको गिवन है तो यहाँ पे क्या हो जाए साइन थीटा इंटू साइन थीटा बच्चा क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वेयर थीटा यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कोस्थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस्थीटा ओके प्लस यहां पे क्या हो जाएगा को स्क्वेयर थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा ठीक है अब यहां पे एक चीज देखिए आप यहां पे है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहां पे है कोस थीटा माइनस साइन थीटा अगर मैं ये माइनस यहां से चेंज कर दूँ अगर मैं ये माइनस यहां से चेंज कर दूँ मीन्स मैं इसको प्लस कर दू और कोस थीटा को माइनस कर दू इनके साइन चेंज कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चा ये क्या सेम नहीं बन जाएगा आपका ये पार्ट सेम नहीं हो जाएगा है ना तो हम क्या कर सकते हैं हम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे और माइनस वन से करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं आपको ये तो रहेगा साइन स्क्वेयर ये हो जाएगा कोस थीट्टा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पे क्या जाएगा बच्चे प्लस के प्लेस पे क्या हो जाएगा माइनस क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ओके okay, आपके पास यहाँ बचा कोस स्क्वेयर थीटा और यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा एज इट इज अब ये कोस जो था ना ये माइनस हो गया अब ये कहाँ गया यहाँ पे और साइन कहाँ पे आ गया यहाँ पे और माइनस एज इट इज रहेगा बात समझ में आ रही है ओके okay, तो इस वे में आप कर सकते हो ठीक है माइनस तो अपने प्लेस पे रहेगा माइनस चेंज नहीं होता कहीं आप सोच रहे हो कि हाँ से ये प्लस था ये माइनस था यहाँ पे माइनस करा तो ये माइनस ना मैंने सिर्फ साइन थीट्टा को पॉजिटिव करा है और कोस थीट्टा को माइनस करा इन दोनों को साइन चेंज करने के लिए माइनस वन से मल्टीप्लाई करा है इसलिए आपका माइनस आया यहाँ पे ओके ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग थी इस क्वेश्चन की ओके आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चा अब यहाँ पे देखिए दोनों बातें सेम हो गई अगर मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा कोस थीटा क्या लिखे भाई कोस् थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस थीटा अब आपको ये टू टाइम राइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम होगी तो आप वन टाइम लिखेंगे बट यहाँ पे साइन है यहाँ पे कोस है तो ये दोनों फॉर्म आपकी अलग अलग आएंगी यहाँ पे आप पे वन टाइम नहीं लिख सकते ओके यहाँ पे क्या हुआ भाई साइन स्क्वेयर थीटा यहाँ पे क्या है आपका एक एक चीज और देखो साइन माइनस कोस थीटा से साइन माइनस कोस थीटा चला गया भाई हो गया कैंसिल कोस थीटा से कोस थीटा चला गया एक साइन की अब साइन स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बात समझ में आ रही है इस वे में माइनस कोस स्क्वेयर थीटा आपका ऑलरेडी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया साइन थीटा से साइन थीटा चला गया एक कोस यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया बात समझ रहे हो अब ये क्या बन गया आपको दिख रहा है वन पावर है बेसेम है तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थी माइनस कोस क्यूब डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास कोस इन टू साइन थीटा इन साइन थीटा माइनस कोस थीटा राइट यहाँ तक आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया अब आपको क्या करना है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा का कंप्लीट मतलब फॉर्मूला लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सोल्व करेंगे तो अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है मैं थोड़ा रफ कर रही हूँ पहले ओके यस yes, स्टूडेंट तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा पॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा ओके कोस थीटा सॉरी अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ यह करेंगे क्या होती है भाई ए माइनस बीटू ए प्लस बी प्लस ए बी तो यहाँ से सोल्व करेंगे बच्चा क्या लिख सकते हैं पहले साइन थीटा नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू थीटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही होगा यही आइडेंटिटी लगाई है मैंने यहाँ पे अपॉन में क्या आपका साइन थीटा कोस्थीटा इंटू साइन थीटा माइनस थीटा ओके okay, तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया अब क्या करेंगे भाई यहाँ से साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपके पास है यहाँ पे भी क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा है कैंसिल आउट कर सकते हैं हो सकता है कैंसिल आउट आपका डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है बीच में हाँ अगर यहाँ प्लस माइनस होता है तो ये कैंसिल नहीं होते अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है मीन्स मल्टीपल का साइन है ओके okay, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं तो आपके पास क्या रह गया। और यहां पे साथ साथ ये भी बता देते हैं थीटा क्या, क्या होता है one. आप यहां पे लिख सकते हो साइंस स्क्वे थीटा प्लस को स्क्र थीटा इजिकल टू क्या होता है भाई वन ये बातें आपको साथ साथ ब्रेकेट में लिखनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट वन लिख दोगे तो एग्जामिनर को ये मत समझ के चलो उसको सब कुछ आता है ये समझ के चलो कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो तो आप सामने वाले को समझा रहे हो ठीक है तो आपको साथ साथ बताना होता है कि ये वैल्यू रखिए तो क्यों क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इजिक्वल टू वन होता है तो आप यहाँ पे वन प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा इसमें में लिखोगे ओके यहाँ पे क्या रहेगा भाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा अब देखिए प्लस का साइन है डिनोमिनेटर है तो मैं क्या लिखूँगी इसको ऐसे ही लिखूंगी टा इंटू कोस्थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस्थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस्थीटा भाई ये फॉर्म रही होगी तभी तो ये आई होगी ना बात समझ रहे हो ये फॉर्म कब आई होगी जब आपके पास ये फॉर्म रही होगी तो मैंने इसको क्या कर दिया फैक्टर कर दिया इसके तो आपके पास क्या गया भाई ये तो कैंसिल आउट हो गया ये क्या बन गया आपके पास वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका कोसेक थीटा वन अपॉन कोस क्या होता है सेक थीटा प्लस वन आंसर इट मीन्स क्या आ गया आपका इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना यही तो चाहिए थी आपकी राइट हैंड साइड क्या थी कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा प्लस वन यही तो आपको चाहिए था तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है ना कम टू पार्ट नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट नंबर फोर्थ ओके यहाँ पे गिवन है बेटा आपको वन प्लस सेके अपॉन सेके इज इक्वल टू साइंस स्क्वेर है अपन वन माइनस को स्क्वेर है आपको ये प्रूव करने है मीन्स दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड के अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखेंगे अगर आप इसको कितने भी वे में सोल्व करो आप ये आंसर तो नहीं ला सकते डेफिनेटली सी बात है क्योंकि ये इसकी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है हमें पता है साइंस स्क्वे की भी बहुत सारी फॉर्म हो सकती है हम इसको वन माइनस को स्क्वेर लिख सकते हैं साइंस स्क् को हम क्या लिख सकते हैं भाई वन माइनस को सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं है ना तो इस वे में आपको अपना क्वेश्चन सोल्व करना है कि आप इसको भी सोल्व करो इसको भी सोल्व करो फिर दोनों की कोई एक सेम प्लेस पे वैल्यू इक्वल हो जाएगी तब आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी ठीक है क्वेश्चन इजी है डिफिकल्ट नहीं है देखते हैं ओके हाँ जी वन प्लस सैके को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा वन प्लस सैके को देख सकते हैं वन प्लस सेके को हम क्या लिख सकते हैं को से वन बाई वन लिख लीजिएगा सेके को क्या लिखेंगे वन अपॉन को से अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करती हूँ बच्चा तो क्या आ जाएगा आपका को से प्लस वन अपॉन को से और यहाँ पे क्या है वन अपॉन को से अब देखिए मैं इसका रेसिप्रोकल अगर करती हूँ यहाँ से रेसिप्रोकल हम करेंगे कोस ए प्लस वन अपॉन कोस ए और ये कहाँ पे जाएगा इन टू कोस ए अपन वन ये गो कोसे से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा आपका यहाँ पे है ना ये से कैंसिल आउट हो जाएगा इट मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास कोस ए प्लस वन यही बचेगा आपके पास अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आपके पास दो मेथड हैं या तो आप इसको एज इट इज रख लीजिए इतना देखो आज मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगी इसको आप यहीं तक छोड़ दीजिए और क्या करिए राइट हैंड साइड को ले लीजिए ठीक है बाय टेकिंग राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा भाई क्या गिवन है साइंस स्क्वेयर ए अपॉन वन माइनस को स्क्वेयर ए है कि नहीं अब साइंस स्क्वेर ए को क्या लिख सकती हूँ वन माइनस को स्क्वेयर ए लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वन माइनस को स्क्वेयर ए आपको गिवन है तो क्या हो जाएगा भाई आपका साइंस स्क्वेयर को लिखेंगे वन माइनस को स्केयर एपन वन माइनस को स्केयर ये तो इससे कैंसिल आउट होगा तो आपका वन आ जाएगा ठीक है इसका वन हो सकता है इसका वन नहीं हो सकता साइंस स्क्वेयर ए है ना तो वन माइनस को स्केर वन माइनस को स्क्वेयर ए चलो इसको ऐसे नहीं कर सकते ये मेथड बताऊंगी पता नहीं मैंने क्वेश्चन तो रोंग कर दिया राइट right? चलो ठीक है ये भी बताऊंगी इस वे से भी बता देती आप फिलहाल इसी से देखिए ठीक है कोस ए, कोस ए प्लस वन आपको दिया है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकती हूँ इट मीनस अगर मैं इसके अपोजिट साइड से करूंगी अपोजिट साइड से क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पे वन माइनस कोस ए से लिख कर सकती हूँ वन माइनस को से अपोन वन माइनस को से देखो अगर मैं इन दोनों को कट करूंगी तो आपका आंसर यही रह जाएगा आपके क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ है ना तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम एडिशन सब्ट्रेक्शन कर सकते हैं तो मैंने कर दिया यहाँ पे देखिए कोस ए प्लस वन वन माइनस को से या वन प्लस को से तो फॉर्मूला बन रहा है आपका तो क्या बन जाएगा आपका वन माइनस को स्क्वेयर ए बन जाएगा भाई और नीचे क्या गिवन आपको वन माइनस को तो ये क्या होता है वन माइनस को स्क्वेयर ए क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वेयर ए अपोन में क्या आ जाएगा वन माइनस को से ओके तो ये क्या आ जाएगा भैया आपका इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यही आपको प्रूव करना था बच्चे वो इसलिए आंसर नहीं आया मैं बताती हूं आपको वहां पे ये नहीं था क्वेश्चन में बेटा ये स्क्वेयर नहीं है इसी वजह से वो मिस्टेक हो गया था ठीक है क्वेश्चन में स्क्वेयर नहीं है अब मैं इसको बताती हूँ जो मैं सेकेंड मैथड कह रही थी वो बताती हूँ तो उस टाइम पे कन्फ्यूज हो गया जो राइट right हैंड देखो सो हो गया हमारा क्वेश्चन लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो राइट हैंड साइड को लोगे तो क्या आपके पास साइंस स्क्वेयर ए अपोन वन माइनस को से है वन को स्क्वेयर ए नहीं है ओनली वन माइनस को से तो आप साइंस स्क्वेयर ए को क्या लिख सकते हो आपको बताया साइंस स्क्वेयर ए प्लस को स्क्वेयर ए इजिकल टू क्या होती है वन तो यहाँ से जो साइंस स्क्वेर ए है वो क्या हो जाएगा भाई वन माइनस को स्क्वेयर ए दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो क्या लिख सकते हो साइंस स्क्वेरे को वन माइनस को स्क्वेयर ए अपोन वन माइनस को से अब ये फॉर्मूला नहीं बन गया है स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइन माइनस को से इंटू वन प्लस को से में क्या आ जाएगा वन माइनस को से तो वन माइनस को से वन माइनस को से क्या जाएगा वन प्लस को से है ना तो देखिए बिल्कुल सेम आंसर आया आपका इसका राइट हैंड साइड जो आपकी आई है एंड जो आप लेफ्ट लेके चले उसका भी आंसर यही था ठीक है तो आप ये मेथड भी अपना सकते हो जो मैंने यहाँ पे बताया है और आप डायरेक्ट राइट हैंड साइड को लेके भी प्रूव कर सकते हो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तब भी आपका आंसर सोलो हो जाएगा ओके तो दोनों बता दिए मैंने आई होप आपको दोनों के दोनों मेथड समझ में आएंगे बेटे सो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन दन के बाय